बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू दिस चैनल। द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। दिस इज़ वेरी कॉमन डिजीज़ बट इट्स ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। ठीक है, सो डोंट वरी। इसको एब्रिविएशन में हम PCOS भी लिखते हैं। अब अगर हम देखेंगे कि PCOS मेल में होती है या फीमेल में, ये फीमेल की डिजीज़ है, मेल में ये नहीं होती क्योंकि ये ओवरी के अंदर होती है, ओवरी ओनली फीमेल्स में। अब इसके अंदर होता क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी के अंदर, मैं आप डिस्क्रिप्शन में इसकी अल्ट्रासाउंड की वीडियो भी दे दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। इसके अंदर न्यूमरस स्मॉल सिस्ट बन जाते हैं ओवरी के अंदर, और एक जो हार्मोन्स होता है एंड्रोजन, उसका लेवल बढ़ जाता है। और नॉर्मली तो एंड्रोजन का लेवल फीमेल्स की बॉडी में कम होता है, लेकिन इस कंडीशन में, इस डिज़ीज़ में इसका लेवल बढ़ जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, सबसे पहले पीरियड्स मिस हो जाते हैं। ठीक है, 2 मंथ बाद या 3 मंथ की बात, या मुकम्मल तौर पर कह लीजिए कि आते नहीं हैं, काफ़ी 6-6 महीने का गैप हो जाता है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, एक्नी, हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाते हैं मेज़ लाइक बॉडी की तरह, और ओवरीज के अंदर सिस्ट क्रिएट हो जाते हैं। ये तो है इसके कॉमन सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या कैसे किया जाता है, इसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं। बर्थ कंट्रोल में फैमिला मोस्ट कॉमन दी जाती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम्बिनेशन है, और ये एक्नी को रिड्यूस करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है, एंड्रोजन लेवल को ये कम कर देता है। ठीक है, और सेकंड हम बात करें कि एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, वो हम देते हैं ग्लूकोफेज और 500 mg पहले वीक में दिन में 1 मरतबा, दूसरे वीक में दिन में 2 मरतबा, और तीसरे वीक में दिन में 3 मरतबा। और ये भी डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट को, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। फिर मोम फोलिक प्लस राशि देते हैं, ये भी एग को मेच्योर करवाने में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास डाइट की। आप डाइट चेंज करें, फास्ट फूड ख़त्म कर दें, एक्सरसाइज करें, इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।